आपको एक ऐसा भजन सुनाता हूं जिसमें कर्म को, तकदीर को, भाग्य को फेल कर दिया। और कवि ने बताया जब भाई उल्टा लोल्टा बखता ना तक कर्म साथ दे ना भाग्य साथ दे। जिस आदमी पर बखता हो ना उसा काट लेना चाहिए ना तो तंग पाओगा। वैसा ही समय नहीं काटता तो और प्रमाण प्रमाण सहित बताया है पंडित जी ने कैसे बोला। Thank you.
सिकंदर महान। यूनान का था जो आज जिसको ग्रीस कहते हैं, वो आदमी 20 साल का राजगद्दी पे बैठा था और 32 साल का उम्र भी लिया। सारे संसार को फतेह किया उस आदमी ने। हमारे देश में भी आया था, सतलुज में युद्ध हुआ था। उसने समुद्र पर भी टैक्स लगा दिया। ये मुसलमान भाई जब मुर्दे को दफनाते हैं उनके मुंह में 1 रुपया गिरा करे। उस समय रुपया चांदी का होया करता। सारे संसार की कब्र खुदवा के मुंह में तो रुपये भी कटवा लिए। और मरने से पहले उस आदमी ने शिलालेख दबवाए, अगर कोई 1500 साल बाद खोद देगा ये लकड़ेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। के ज्ञान हो जाएगा ऐसा ये लिखवाया के संसार से जब आदमी जाता है लोगों यहां से कोई सुई भी नहीं ले जा सकता। कदे किसी का मैं मोग में ले जाऊंगा, ये बेटे पोते सब के मुगल था कोई नहीं एक जिंदा। और न्यू बोला जब मैं मरूं तो मेरे जनाजे से मेरी अस्थि से मेरे दोनों हाथ बाहर काट दियो ताकि लोग देख ले सिकंदर खाली हाथ गया है कि मैं लेके कोई ना गया। ये 500 रुपये भाई जी ने बड़ा बड़ा धन्यवाद। दूसरा उदाहरण लोगों उससे बड़ा ज्ञानी आज तक नहीं होया। जिसका बेह माता पीस ना करे, अंदर छटका करे, अम्बर में पड़ी ला रखी काल कुए में लटका रखे, 33 तो देवता जेल में। मौत का शिवजी से वरदान, उससे ताकतवर कोई नहीं बताया। दादा ने बोला उस तो ताकतवर है भाई, वक्त समय कुछ नहीं। एक नाई की दुकान
ने बोला और नाई क्या बोला आसा रे बेटा राम खोर तेरे पारने आ गयो सरदार जी मर गया कम से कम देख तो लेता नो बोला साहब मारे लिखे दियो उनते मर गया था कदे दाढ़ी बनवानी ना मूछ बनवानी ना ये इलेक्शन होए है झज्जरमा हसनपुर गांव है एक वोट से जीते हैं सरपंच और पार्षद दो वोट दोगे भाभी बताओ एक वोट का केस होता हो जो आदमी एक वोट पर हार गया हो चाणिया में चला जाएगा पर वह बेटा मरे लेगा राजा ना नाराजी हो गया फिर जाके अगे खड़ा हो गया जाओ राजा साहब की बधाई नवलारा ईद के रह गया नवला जी घोड़ा और दे दो घोड़ चढ़ी पुड़ी करवा जावा बालका ने पाल जावा राजा ने सोची रहा तड़के तड़के दे दिया दे दिया दूसरे दिन बतवार ने भाई राजा तो रात से क्यों मैं माई लू नट नहीं गा बनारा जी हो रहा है बोला के मांगेगा और यो तार सही हमने नहीं रे लाग रहे सात फीट का टोटा पाट जाएगा नवला यो इज्जत का सवाल है यो मत मांगिए नवला ना देख आज मांगूंगा जो राजा साहब की बधाई हो जो बोला रही इनके रह गया नवला राजा साहब यो पाद और दे दो न्यू कंटे गोड्या तले देख ऐसा मारा दे लठा तीन महीने में ठीक होया और वो दूसरा था नवला मकाऊ नहीं था ना तू पिटेगा नवला रे पिट लिया तो ठीक रह गया ना तो ये उम्र मलाक सारी उम्र रहे मेरे भीतर है तब आई इससे रखा एक वोट तो जो आ रहा है पीट लियो ओ उम्र मलाक नहीं जाएगा हमारे आगे भी आदमी बैठे हैं 1975 में देश का प्रधानमंत्री इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरा दिया अवैध घोषित कर दिया इंदिरा गांधी का चुनाव और 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती 75 में उसने इंदिरा ने एमरजेंसी लाई थी भीतर के इलाके के सारे समय के बारे में बता रहा था मैं एक समय प्रतिकूल होता है और एक अनुकूल